भैया को मेरी शादी के बाद से कुणाल भाई की शादी तक बहुत हाँ, समझा। भैया तब तो नहीं समझे, तब बहुत भैया नहीं समझे, पर शिवानी आने से पहली बार उसने जब बोला ना, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू तिलकपुरे फैमिली ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं मॉर्निंग, 10। गुड मॉर्निंग। आखिर अभी ब्रश कर रहे हैं, नया ब्रश हो चुका है। मन्नू चांदनी गए डांस क्लास, पापा कर रहे हैं नाश्ता। और ये छोटू सा हमारा पिंटू सा बाल, आप क्या कर रहा है इधर न्यूज़पेपर पे बैठ के क्या कर रहे हो? ऐसे बैठते थोड़ी पेपर पे बैठते, क्या कर रहे तुम? तुमने अभी फूल तोड़ा ना मैया के लिए? कहाँ है फूल? कहाँ मुंह में नहीं डालना, चलो आ जा। गुड मॉर्निंग मम्मी। ये फूल तोड़ा के तुमने, बताओ। उसने ना बाहर के हमने जो झाड़ लगाया छुट्टी के उस पे से तोड़ा। दो 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 वो आप ले आ लो पापा। फिर क्या बोलो, बोला आय हाय हाय हाय। मिट्टू गुड मॉर्निंग शिवा। चेस दूध ला दूँ? नहीं नायरा, ये साइकिल में लेके जाता अभी। नहीं हाँ नहीं आई लव यू मेरी दारी। बाप रे दारी शान नॉट। और अभी पूजा अभी क्लिनिक जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं भी अभी नहाऊंगा, फ्रेश होके मैं जाऊंगा शॉप पे। क्या चाहिए? ओ नाश्ते में आज बने पोहे। और हमारे पीछे घर में काम चल रहा है एक्चुअली जो पाइप है ना वो चौकअप हो चुका है, तो हमने प्लम्बर को बुलाया, वो करवा रहे हैं अभी पीछे। नहीं तुम स्कूल क्यों नहीं गई? तो तेरे पे बीमार हूँ। क्या हो रहा है तुम तो? क्या हुआ तुमको? उसकी तबीयत जा सकती थी वो तो स्कूल है ना। हाँ यहाँ मस्ती तो कर रही है, क्लास जाने में क्या प्रॉब्लम थी इसको? नहीं क्लास नहीं स्कूल। हाँ स्कूल जाने में क्या प्रॉब्लम थी? क्यों नहीं गई? मस्ती कर रही है यहाँ, ऐसे बीमार जैसी लग नहीं रही है वो। देखो तुम सब देखो ना, लग रहा क्या बीमार है? ना सोई है ना लेटी है, तो कैसे पता चलेगा बीमार है? मस्ती बता खेल रही है वो। क्या हुआ नायरा बताओ तो? कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी कुणाल को शॉप पे जाना था, पर उसके पहले ना नायरा के साइकिल की ना सीट टूट गई, हम लोग वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। और नायरा भी जिद कर रही है, इसको भी आना है। तू कहाँ पे बैठे थे? तू तो अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे, साइकिल पे सीट कवर लगा दिया, सीट टूट गई थी नायरा। और ये हम लोग वही है शॉप पे जहाँ हम लोग नायरा के एच के थे तब आते थे। आज नायरा के लिए आ रहे, पहले हम खुद आते थे मतलब 15-20 साल के बाद अपन फिर से शॉप पे आ रहे हैं। यार ये घर के पास ही, अभी जरूरत तो नहीं पड़ती है, बट नायरा के वैसे फिर से जरूरत पड़ी। हाँ तो अभी हम लोग आ गए। मम्मी देख सीट कवर। पहले हम लोग जाते थे साइकिल के लिए, हम नायरा जाती है लेकिन हमारे पास गाड़ी आ गई है। और अभी बज रहे दोपहर के 3, मैं आ गया हूँ घर पे खाना खाने के लिए शॉप पे था अभी मैं। और आज खाने में है दाल, मूली का पाला और पत्ता गोभी की सब्जी। और नायरा सोई है अभी। और अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और मेरे को सर्दी खांसी से कारण मुंह ना ऐसा ऐसा कड़ू कड़ू हो गया, तो आज तो मेरा मन था सिर्फ मैगी खाने का। आई नो हेल्दी नहीं रहती है, बट फिर भी मैंने आज यहाँ पे वेज मैगी बनाई है, क्योंकि ना मन ही नहीं हो रहा था कुछ खाने का, रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल। ऐसा लगता गले में ऐसा लगता क्या मैं क्या खा रही हूँ मैं, तो इसलिए आज मैंने मैगी बनाई। और इन लोगों को आज 10-10:30 हो जाएगी। और आजकल हमारे ब्लॉग ना एक दिन हम शूट करें, सेकंड डे आ रहे हैं,
तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि हम बिल्कुल एकदम उस पर इधर शूट करा इधर डाल रहे हैं, इधर शूट किया इधर डाल रहे हैं, हमारे इसमें गैपिंग ही नहीं रह रही है। तो अभी ऐसी चीज़ें चल रही है। कोई मतलब ऐसे ऐसे न्यूज मिल रहे ना सुनने में, इसको हार्ट अटैक आया, उसको हार्ट अटैक आया, और पास वाले लोगों को आया तो एकदम ये लगता है फील होता है। आपके? मैंने घड़ी दिखाई, उनको टाइम दिख गया होगा कुनाल। और देखो सब साइड में जो जो मेन मेन चीजें होती है ना, कड़ी पत्ता और ये खाना चाहिए, वो सब साइड में रखते हैं। आई जस्ट लव खिचड़ी बस। अरे मैं प्रोटीन्स नहीं देते भाई, खाना चाहिए कड़ी पत्ता वगैरह। तो सिर्फ चावल और दाल देते हैं। अरे मेरे को पता नहीं था कि कड़ी पत्ता खाने में रहता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि साइड में निकाल देना रहता उसको, खाना रहता है, पता नहीं था। मुझे ऐसा लगा था सिर्फ टेस्ट के लिए ऐसा रहता होगा, बाद में नहीं खाना रहता होगा। तेज पत्ता वगैरह ये सब साइड में निकालते थे ये पे। नहीं तो वो ऐसा ही लगा ना कि वैसा नहीं खाते। 23 साल का हो गया मैं, तब से मेरे को ये लगा ना, पता नहीं। हाँ मैं तो 16 साल की हूँ। मैं एग्जाइटी नहीं कर रही हूँ, और मेरी फैमिली में एग्जाइटी नहीं कर रही हूँ। यस मैं जाई यहाँ पे हुई नहीं ना, क्योंकि नायरा के बाद में यहाँ आई हूँ। मेरी एक 23 है, तुम्हारी एज को ये करते हो तुम लोग? ना बताओ ना जी सब लोग। चलो कुणाल तुम अपनी रियल एज बताओ। 23 है रियल। कुणाल भैया मुझसे 1 साल बड़े हैं। 31 शिवानी आने तक मैं सबसे छोटी थी घर में, है ना? हाँ। बाद में शिवानी आने के बाद शिवानी मेरा स्थान ले लिया। Yes, I am just नायरा के बाद मैं ही हूँ अभी इस घर में। और कुछ चांदनी मन्नू, वैसे कल ब्लॉगिंग अच्छी करी है तुम दोनों ने। और हाँ मुझे जो चांदनी ने बोला वो असर ना, मुझे पूजा ने बोला है ना किसी ने बोला है घर में। मैं बोलता हूँ मन्नू अपने मुंह से बोलेगी। ऐसे हुआ था कि हम लोग सब लोग टेनिस प्रैक्टिस कर रहे थे, और अखिल भाई ने बोला था, नहीं मन्नू नहीं आप कौन, अखिल भाई ने बोला था कि मैं आज तुम लोगों के लिए रुकता हूँ करके, तुम लोगों का प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा हेल्प कराता हूँ। तो दीदी ने फिर बोला कि आप प्रैक्टिस को नहीं जा रहे, तो भैया ने बोला कि नहीं आज मैं नहीं जा रहा घर के। कौन सी प्रैक्टिस? वो मैच की, क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए। तो दीदी ने फिर तुरंत ऐसे बोला कि प्रैक्टिस ही नहीं होगी, नहीं जा रहे करके, ऐसे हमको बस प्रैक्टिस ही नहीं होगी घर। ऐसे भी नहीं बोला था, मतलब उसके ऐसा बोलना था मैं क्रिकेट को छोड़ नहीं सकता हूँ, प्रैक्टिस होगी नहीं बोले तो जाओगे कहाँ से? ऐसे वो बाप रे ऐसे नहीं थोड़ा ऐसे नहीं। देखो आज हमारी खिचड़ी जल गई है। ऐसा कभी कोई किसी को ना बोला। और एक बात, और एक बात, हम लोग जब आ रहे थे ना रस्ते में, तभी ना कुणाल भी हमारे साथ में आ रहे थे, तो तभी दीदी ने ना गाड़ी पे कुणाल भी को आवाज देके पूछा भी था कि कुणाल सर आज अखिल सर की प्रैक्टिस थी क्या करके। तो मेरे तो सादे मन से बुला रहे, मेरे को पता भी नहीं था। बोला था ही तो दीदी तभी तुरंत पता है गाड़ी पे है क्या आज प्रैक्टिस थी या नहीं, देखो पता था क्या? आशी को पूछो ना, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को, मेरी स्टूडेंट है ना वो आशी, उसको पूछो थी आज प्रैक्टिस नहीं क्या? वो रो देगी ना वो भैया। रो देगी, देखना वहाँ जाके रोने वाले उसकी आंखों में लिटरली आंसू है। कल बहुत मजा आई यार। Yes, I'm just proud of my husband now. क्या बात है? पर आपने नमक भी ये चीज मैंने भैया को मेरे शादी के बाद से कुणाल भैया के शादी तक बहुत समझाया। भैया तब नहीं समझे, तब बहुत भैया नहीं समझे, पर शिवानी आने से पहली बार उसने जब बोला ना कि भैया घी खाना, नहीं भैया नहीं कुणाल घी खाना बहुत अच्छा होता है,
बहुत हर्ट हुआ भैया, बहुत हर्ट। पिज्जा भी खा रहे है भाभी, वो सब खा रहे हैं। लॉकडाउन में मैं इतनी चीजें बनाती थी अलग अलग, सैंडविच बना, पानी पूरी बना, पानी पूरी खा लेते थे भैया, सैंडविच, सोयाबीन के चंक्स बनाते थे, कुछ भी नहीं खाते थे भैया, कुछ भी नहीं। उनके लिए अलग से बनाना पड़ता था, तब तो कोई भी नहीं जमता है, नो वॉशिंग, अभी आपको एक और पता है, उन्होंने खसखस बादाम का हलवा खाया, मतलब इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। काम नहीं करेगा, नया म्यूजिक बनाना पड़ेगा। ओ कमलिक, तो अभी हमारा खाना हो गया है, रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पे हम पिक्चर देख रहे हैं बेबी, और सबके आंखों में नींद है पर पिक्चर भी तो छोड़ना नहीं है। और शिवानी यहाँ पे मोबाइल चलाते हुए, कल सैटरडे है अभी क्लास को छुट्टी रहेगी। आज का ब्लॉग हम लोग इधर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।